विधानसभा बजट के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला बजट सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश में गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। बताया गया है कि गौ वंश के संरक्षण के लिए गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जो भी है ये हम लोग किए हैं, कुल मिलाके ये पूरे प्रदेश के हित का बजट, जिसे मैं कह सकता हूँ इसमें कोई हमने नया कर नहीं लगाया है। आय बढ़ाने के स्रोत को हम लोग देख रहे हैं और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हमें मिलती हैं उनको हम मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारा सीमित आय वाला प्रदेश है, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र शासित जो भी योजनाएँ मिलती हैं उसको मॉनिटरिंग करें, ताकि और उसका हम लाभ ले सकें। इस प्रकार से आज का बजट गाँव को, उद्योग को, ग्रामीण को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को, हमने 5 लाख से 10 लाख रुपए उनके लिए बीमा राशि हमने रखने का प्रावधान किया है। यानी तमाम काम हमने इस बजट क्षेत्र में हर वर्ग के लिए किए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे हमारे आने वाले समय पे उत्तराखंड के हर व्यक्ति को, और जो हमने जितने भी हमारे जनसंवाद के माध्यम से अच्छे अच्छे सुझाव है, तो लगभग सबको हमने इसमें समाहित करने का काम किया है। शेष भी जो मांग, जो सुझाव मांग के रूप में आई थी, हमने जो संबंधित विभाग में उसको भेजने का काम किया। ये सबको उसका लाभ मिल रहा है, उसके लिए हमने 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पलायन रोजगार योजना, आप जानते हैं कि पलायन हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि गांव में ही हम लोग पलायन को रोकें। जैसे गांव में हम अच्छी सड़कें दें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसमें कुछ सुधार लाएं, वहाँ पे जो उत्पाद होते हैं उत्पाद से उसे मंडी तक ले जाना, मंडी तक ले जाने में जो आपका गाँव से मंडी तक जाने का किराया है उसमें हम सरकार की तरफ से उनको आधा उस किराए में हम प्रोत्साहन राशि देंगे, विपणन के लिए भी कोशिश करेंगे। और मैंने आज अभी बजट भाषण में कहा है, अनेकों हमारे ऐसे उत्पाद हैं क्षेत्र के जिन्हें हम जीआई टैग के लिए प्रोत्साहित के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ हमारी योजनाएं इसमें पास हो गई हैं, कुछ योजनाओं को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसी सीमांत क्षेत्र का जो विकास कार्यक्रम है जिसमें हमारे 5 जनपद हैं, उसके लिए हमने लगभग 45 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी कि सुशासन और इस प्रकार की योजनाएं, माने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए समिति बनी है, समिति अपनी रिपोर्ट जैसी देगी इस काम को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, उसके लिए हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पटवारी हैं, अनेकों पटवारी हैं जो पुलिस का काम करते हैं, उनको प्रत्येक को मोटरसाइकिल देने का काम पहली बार हम अपने इस उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। वहीं वित्त मंत्री ने बताया है कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देखिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोगों ने हर विषय पे अपना फोकस किया है, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने लगभग 65,571 करोड़ का ये बजट हमने दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये ज़्यादा है, और हमने कृषि क्षेत्र को चूँकि एक केंद्र भी माना है, और हमारे यहाँ चूँकि गांव और कृषि ये एक ऐसा हमने उसमें प्रावधान किए हैं, कृषि है, उद्यान है, पशुपालन है, दुग्ध है, और जितने भी हमारे इस प्रकार के चीज़ें हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र मानते हुए हमने स्थानीय उत्पाद जो हैं, जैसे मंडुआ है, झंगोरा है, इस प्रकार के जितनी फसल हैं उसके प्रोत्साहन के लिए 7.5 करोड़ का बजट दिया। ऐसी जो हमारे यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जो राज्य सरकार की ओर से पहले उसमें कोई योगदान नहीं देते थे, सिर्फ सेंटर के 55%
इस बार हमने उसे 25% राज्य सरकार की तरफ से भी देने का प्रावधान किया है। 43.15 करोड़ का उसमें हमने बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, पिछले वर्ष ये 4 जनपदों में चलती थी, इस बार हमने तमाम पर्वतीय जनपद 9 के 9 को उसमें आच्छादित किया है और 10 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। लिंग वर्गीकृत वीर्य योजना, हमारे यहाँ देखा गया है कि सड़कों पर सांड, बैल, बछड़े इस प्रकार से आते हैं। हमने कोशिश की है उसके अंदर कि बच्चियाँ ही पैदा हों, तो उसके लिए हमने 15 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं विपक्ष ने बजट पर सवाल करते हुए इसे सरकार का आम जनता के साथ छलावा करार दिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट बेहद निराशाजनक है। राज्य सरकार ने आज विधानसभा में प्रस्तुत किया वो घोर निराशाजनक वाला बजट है। इस बजट में विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए कोई संसाधनों का जिक्र नहीं है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बजट मौन है। ये राज्य जिस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा, उस मातृशक्ति को इस बजट ने घोर निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। मैं कह सकता हूँ सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखा करके ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा जो फोकस था वो केंद्र द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, केंद्र द्वारा जो बजट दिया जाता है उस पर ही फोकस था। तो घोर निराशाजनक वाला बजट आज सरकार ने सत्र में जो है प्रस्तुत करने का काम किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 95,571.49 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में उपस्थित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।